जैन साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश का ये पैसेज नंबर 14 है। पैसेज नंबर 14 है। इससे पहले हम लोग पैसेज 13 कर लिए हैं और ये क्लास जो चलता है, ये क्लास चलता है आपको जूम ऐप पर चलता ही है, ठीक है। प्ले स्टोर से आप जूम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर क्लास चलता है और ये क्लास जो है ये क्लास पेड है। और आज क्लास उस पर आपका नहीं हो पाया जूम ऐप पर, क्योंकि अभी जो है ब्रॉडबैंड कनेक्शन यहाँ का जो है हमें कुछ प्रॉब्लम कर रहा है और फ़ोन के नेटवर्क से काम करता नहीं है। तो आज मैं क्लास रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर रहा हूँ। आपको ये क्लास आपको यूट्यूब पर तो मिल ही जाएगा, प्लस में जो हमारे मेंबर हैं, पेड मेंबर हैं, उनको मैं आज लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप उसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे ही मेरा ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है तो आपको जूम ऐप पर फिर क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज ये पैसेज नंबर 14 है, पैसेज नंबर 14 करेंगे, मॉर्निंग में हम लोग करेंगे, फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा प्रोनाउन का आगे का, ठीक है। हम लोग प्रोनाउन स्टार्ट कर चुके हैं। साथ साथ मैं आपको ये बता दे रहा हूँ आपको कि अगर आप आर्मी क्लर्क के लिए कोई भी क्लास मैथ या चाहते हो तो आप मुझे नंबर 8210718211 पे मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो आप, ठीक है। ये क्लास चलता है पेड और ये क्लास चलता है अभी आर्मी जीडी के लिए, क्लर्क के लिए अभी क्लास स्टार्ट हो चुका है। जो भी क्लास करना है तो आप मुझे इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो आप, ठीक है। तो चलिए अब आगे आते हैं और टाइम लेता हूँ और पैसेज करते हैं आज का। और पैसेज मैंने बता दिया, पैसेज करने का कुछ तरीका मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो पैसेज मेरे साथ करें और पैसेज का मैं एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन पूरा कर रहा हूँ, ठीक है। पैसेज करने के लिए सबसे पहले तो एक बार क्वेश्चन का ओवरव्यू कर लीजिए आप, ठीक है, उसे पता चल जाएगा आपको पैसेज में क्या करने हैं आपको। देखिए पैसेज आपका ये है, क्वेश्चन पहला जो है आपका है ना, ये देखो पहला क्वेश्चन क्या रह गया। द यंग मदर हैड टू वर्क इन द ऑफिस। देखो तो जो जो मदर थी, ठीक है, उसे ऑफिस में कितने घंटे काम करने पड़ते थे, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है आपका पैसेज पढ़ेंगे तो आपका क्लियर हो पाएगा। एक बार क्वेश्चन को फटाफट पढ़ लेते हैं, फिर पैसेज पर आएंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वर्ड फैसिलिटी इज इन सेंटेंस रेफर्स टू। अब देखिए यहाँ पर ये फैसिलिटी जो पैसेज में यूज किया गया है वो किस बेसिस पर यूज किया है, इसका मीनिंग क्या यहाँ पर है, तो आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। और पैसेज के पढ़ोगे तभी आप जान पाओगे। जैसे फैसिलिटी आएगा तो फैसिलिटी पर थोड़ा हम फोकस करेंगे, फैसिलिटी वर्ड क्या है पैसेज में, ठीक है। इस तरह से आप नोट बना सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कुछ पॉइंट ढूंढ सकते हो आप, जो इस क्वेश्चन में क्या ऐसा था, ठीक है, हैड टू वर्क इन ऑफिस, कितना कितने घंटे काम करने पड़ते थे, कितना काम करना पड़ता था। पॉइंट नंबर 1 के लिए ये कुछ नोट कर सकते हो आप, ताकि क्वेश्चन आपको याद रहे। जैसे पैसेज पर होगा ना, पैसेज में आपको मैच आपको वर्ड हो जाएगा ये, ठीक है। फैसिलिटी आपको याद हो गया आपको, ठीक है, मुझे फैसिलिटी जैसे पैसेज में आएगा तो उस पर हम लोग फोकस करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मदर स्टॉप कमिंग होम फॉर लंच बिकॉज। देखो अब मम्मी जो उसका था, ठीक है, जो घर अब लंच करने नहीं आ रही है, नहीं आती है अब, क्यों क्यों, क्योंकि आपका जो पैसेज पढ़ेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, द सेंटेंस इफ आई हैड मनी आई वुड नॉट हैव डन इट मीन्स। ये जो उसका सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस का इसमें से मीनिंग क्या है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस स्टेटमेंट अवॉर्ड द जज मिस्टर हरिशन हॉल इज करेक्ट। इसमें से जो एक आपका जो जज है, ठीक है, मिस्टर हरिशन हॉल जो है, उनके स्टेटमेंट इसमें से कौन सा सही है, ठीक है, आपको ये पता करना है। चलो आ जाते हैं हम लोग पैसेज पर, आ जाते हैं पैसेज को एक बार पढ़ते हैं। मैं आपको पैसेज पढ़ने के लिए 1 से 2 मिनट का टाइम देता हूँ, अगर सभी लोग आप लोग कर लेते हैं, आप लोग आंसर भी करते हैं। ये जो है जो मैंने आपको सेंड करा था टेस्ट नंबर 6 का, ठीक है, टेस्ट नंबर 6 का ये पैसेज है आपका, ठीक है। और ये पैसेज ये टेस्ट उसी को मिलता है जो हमारे मेंबर है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का पैसेज का रीडिंग करना है। ये देखो पैसेज क्या कह रहा है, ए 23 ईयर ओल्ड ब्रिटिश वुमेन वॉज यस्टरडे सेंटेंस टू 6 months इन जेल फॉर लिविंग हर 2 ईयर ओल्ड डॉटर होम एलोन 8 hours a day, 5 days a week for a year while she went to work। देख सेंटेंस काफी लंबा यहाँ पर है, सेंटेंस को थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ते समझते हैं इसको क्या कह रहा है। एक 23 साल की एक ब्रिटिश महिला थी, क्या कर दिया उसको, कल उसको क्या बना दिया गया, उसको सजा दिया 6 महीने की जेल की सजा दिया गया। क्यों दिया गया, फॉर लिविंग हर 2 year old डॉटर होम। क्यों दिया गया, क्योंकि अपने 2 साल की बच्ची थी ना, अपने घर में छोड़ के वो चले जाती थी, ठीक है। तो कितना कब चले जाती थी, 8 hours a day, एक दिन में 8 घंटे और 5 days a week, टोटल एक वीक में 7 days होते हैं, 7 days में से 5 days
और 5 डेज में कितने, एक दिन में 8-8 घंटे छोड़कर चली जाती थी, ठीक है, फॉर ए ईयर व्हाइल शी वेंट टू वर्क, ठीक है। द यंग मदर फ्रॉम द सेंट्रल टाउन ऑफ वारविक इनिशियली हायर्ड ए बेबी सीटर। देखो अब ये जो मदर थी, ठीक है, उसने बेबी सीटर, बेबी सीटर क्या होता है, जो बच्चे को देखभाल करती है, ठीक है, उसे बेबी सीटर कहते हैं, ठीक है, बेबी सीटर को अपने घर पर रख लिया। When she landed a job in a travel agency, जब कब की बात है, जब ये वह ट्रेवल एजेंसी में जॉब करने लगी थी, करने ज्वाइन कर ली थी, ठीक है। बट इवेंचुअली रिच द पॉइंट वेन सी कुड नॉट लॉन्गर फॉर द फैसिलिटी प्रोसिक्यूटर्स सेड। प्रोसिक्यूटर क्या होता है, जो आपका जो कोर्ट में जो होता है ना, जो बोलते रहता है, ठीक है, पक्ष विपक्ष में बोलते रहता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्रोसिक्यूटर कहते हैं, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर, ये तो क्या कर रहा है यहाँ पर, तो अब ये कब ये काम करने लगा, जब अब इस पर अपने स्टार्टिंग में क्या कर दिया उसने, तो उसने बेबी सीटर रखा उसने, लेकिन कब की बात है, जब उसने ट्रैवल एजेंसी में जॉब स्टार्ट कर दिया तब। बट आगे जाकर क्या, बट दी रिच द पॉइंट, अब इस हालत में पहुंच गए कि वो जो कुड नॉट नो लॉन्गर अफोर्ड फैसिलिटी, यानी कि अब बेबी सीटर को रख रही थी, अब कसका ये हो गया कि अब उसको भी वह नहीं रख सकती थी। इसका कारण ये हो गया, जो हो सकता है उसको इतना आपका इनकम नहीं आता हो, उतना सैलरी नहीं हो, ठीक है, ये हो गया, इसलिए उसको भी उसने हटा दिया, ठीक है, उसने हटा दिया, ठीक है। तो क्या कर रहा है, द वुमेन देन स्टार्टेड लिविंग द चाइल्ड होम, चाइल्ड होम बाय इट्स हरसेल्फ, प्रोवाइडिंग इट विथ फूड एंड टॉयज एंड रिमूविंग ऑल पोटेंशियली डेंजरस ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स रीच। देखो क्या कर दिया, अब ये तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकती थी, ठीक है, और बेबी सीटर को, लेकिन अब क्या कर दिया उस मैन ने, उस मदर ने, जो उस बच्चे को अकेले घर पर छोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। कैसे, उसके लिए खाना दे देती थी वो, और टॉय दे देती थी, और वो काम पर निकल जाती थी, और ये भी करती थी कि रिमूविंग ऑल पोटेंशियली डेंजरस, जो डेंजरस ऑब्जेक्ट होता था उसे दूर हटा के रख देती थी, ठीक है। आई क्या कह रहे हैं, एट फर्स्ट द मदर केम होम एट लंच टाइम बट हैड टू स्टॉप बिकॉज हर डॉटर थ्रू टैंटरम एवरी टाइम सी लेफ्ट टू गो बैक टू वर्क। शुरू शुरू में क्या करती थी, वो लंच करने के लिए घर पे आती थी, लंच करने के लिए घर पे आती थी, बट हैड टू स्टॉप बिकॉज, लेकिन बाद में उसने क्या कर दिया, घर पे आना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया, बिकॉज हर डॉटर थ्रू टैंटरम एवरी टाइम, जब भी वो घर पर आती थी क्या उसके बच्चे करती थी, तो उसको तंग करती थी, उसको परेशान करती थी, ठीक है, कौन, उसका बेबी, ठीक है। इसलिए क्या कर दिया उसने, काम पे मतलब लंच करने आती थी, फिर जब जाने टाइम में क्या करती थी, उसके बेबी तंग करती, परेशान करती थी, ठीक है। टैंटरम क्या होता है, टैंटरम ये होता है ना, जब बच्चे बदमाशी करते हैं अपने अपने बात के लिए, कर कुछ ऐसा करने लगते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं, टैंटरम, ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ठीक है, टैंटरम, फिर बाद में ठीक हो जाता है, ठीक। अब ये कहता था जब ये लंच करके वापस काम पर जाती थी तब, ठीक है। आई क्या कह रहा है, द मदर हु वाज नॉट आइडेंटिफाइड टोल्ड द कोर्ट। यहाँ पर कह रहा है उस मदर के बात कर रहा है, जो कि पूरी तरह से ये क्लियर नहीं था कि मदर है या नहीं है। यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब ये कह रहा है, टोल्ड द कोर्ट, टोल्ड को कोर्ट को कहा, उस मदर ने कहा, इफ आई हैड मनी आई वुड नॉट हैव डन इट, ठीक है। अगर मम्मी ऐसा कह रही है क्या, अगर मेरे पास मनी होता तो मैं ऐसा नहीं करता। तो ऐसा क्या नहीं करता, बेबी जो घर पे छोड़ के जाती थी वो ऐसा नहीं करती, उस मदर का कहना था। इट वॉज अ केस ऑफ दैट और नॉट कीपिंग माई जॉब लिविंग ऑन बेनिफिट। उसका मतलब क्या था, उतना वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि वो, अब ऐसा नहीं था कि वो घर पे अपना बच्चे को रखे फिर जॉब ना करे, ऐसा नहीं था उसका ये कहने का उसका मतलब था। द जज मिस्टर हॉरिसन हॉल हाउएवर सेड, अब क्या कर दिया, जो जज जो थे मिस्टर हॉरिसन जो थे, ठीक है, जज ने क्या कहा, हैविंग हैड ए चाइल्ड द एब्सोल्यूट प्रायोरिटी इज टू लुक आफ्टर इट। अगर बच्चा अगर है, बेबी अगर है, तो सबसे पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, उसे देखभाल करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला उसका काम क्या बनता है, तो उसका बच्चे के देखभाल जरूरी है। देयर मस्ट बी एन अल्टरनेटिव टू लिविंग अ चाइल्ड अलोन ऑल डे। अगर मान लो इतना जरूरी अगर है, ये किसका कहना है, ये मिस्टर हॉरिसन का कहना है, जो जज थे।
अगर आप अगर ऐसा वाला है छोड़ के जाते हो तो उसका अल्टरनेटिव होना चाहिए, यानी कि उस घर पे कोई ना कोई बच्चे को देखभाल करने के लिए होना चाहिए, तब आप बच्चे को छोड़ सकते हो। ए थिंग यू वुड नॉट टू इवन टू ए डॉग, यानी कि ये ऐसा काम कौन एक मतलब कुत्ते भी नहीं करते हैं, मतलब एक एनिमल को दिखा दिया गया है ऐसा तो वो भी नहीं करते हैं, और ऐसा उसके भी लिए भी नहीं होना चाहिए कि एक मान लो घर में एक डॉग भी रखते हैं तो उसके लिए भी ऐसा करना चाहिए। ठीक है, ये अपना स्टेटमेंट दे रहा है दे रहे हैं। ठीक है, आज का ये पैसेज था। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम अगर इस पैसेज में हो तो अब मैंने बता दिया है कि 8210718211 पे मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। क्या मैं फिर से कह रहा हूँ 8210718211 पे मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हैं उनके लिए, तो जो हमारे मेंबर है यहाँ पर है उनको तो कोई बात ही नहीं कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को जो अभी क्लास नहीं नेटवर्क की वजह से, तो आप इससे अभी मैनेज करें अभी। ठीक है, जैसे हो जाएगा फिर लाइव आना शुरू हो जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है, द यंग मदर हैड टू वर्क इन द ऑफिस। अब देखो, अब ऑफिस में कितनी देर काम करती थी, कितनी देर काम करती थी, तो पैसेज में हमने क्या पढ़ा, जो एट आवर्स ए डे फाइव डे इन अ वीक। देखो एक दिन में कितने घंटे, तो 8 घंटे, और कितने दिन, सप्ताह में 7 दिन थे उसमें से 5 दिन काम करती थी, तो एक दिन में 8 घंटे काम करती है, सप्ताह में कितने 5 दिन करते थे ना, 8×5=40 यानी कि 40 hours ए वीक। पहला आपका आंसर ठीक है। ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहला तो यहाँ पर समझना था, तो आगे हम लोग नहीं करते थे, वैसे तो आंसर आप लोग करते थे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, लेकिन आपका आज तो लाइव है नहीं, तो ठीक है, तो आप लोग आंसर इससे काम करें। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, देखो आपने जो आंसर दिया था ना टेस्ट 6 में, इसका हो सकता है ना आंसर आपका मैच नहीं करता हो, जो मैं अभी आंसर करवा रहा हूँ आंसर आप वही करें। ठीक है, चलो अगला क्या कह रहा है, दी वर्ड फैसिलिटी इन सेंटेंस रेफर टू। अब देखिए इस सेंटेंस में फैसिलिटी यूज किया गया है उसका मतलब क्या है। देखो यहाँ पर एक पैसेज मैं लेके आता हूँ, पैसेज में क्या कह रहा था, यहाँ पर मदर सेंट्रल वेक वार्विक कुड नॉट, देखो यहाँ पर है ना ये फैसिलिटी, ये फैसिलिटी वर्ड है, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पर पेन का, देखो ये वाला आपका फैसिलिटी है ना, फैसिलिटी, देखो फैसिलिटी क्या है, कुड नॉट सी कुड नॉट लॉन्गर अफोर्ड द फैसिलिटी, कौन सी फैसिलिटी, जो बेबी सीटर उसने रखा था ना वो फैसिलिटी आपके अफोर्ड नहीं कर सकती थी, कब, जब वो उसने ट्रैवल एजेंसी में वर्क करना स्टार्ट कर दिया। तो देखो क्या कह रहा है, हर जॉब इन द ट्रैवल एजेंसी, लिविंग इन अ वेल फर्निश्ड अपार्टमेंट, गेटिंग एडिक्वेट सैलरी, एम्प्लॉइंग समवन टू लुक आफ्टर द चाइल्ड। देखो कौन सी फैसिलिटी की बात कर रहा है, जो बेबी सीटर की बात कर रहा है ना, बेबी सीटर की बात कर रहा था। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, एम्प्लॉइंग समवन टू लुक आफ्टर, फैसिलिटी क्या था उसके लिए, तो बेबी सीटर था तभी वो काम कर सकती थी आराम से, तो यहाँ पर वो अफोर्ड नहीं कर सकती, यानी बेबी सीटर को अफोर्ड नहीं कर सकती थी। ठीक है, यहाँ पर कि एम्प्लॉइंग समवन टू लुक आफ्टर द चाइल्ड, आपका आंसर इसमें ये हो जाएगा। ठीक है, आप जो मैं अभी आंसर करवा रहा हूँ आप आंसर वही करेंगे। ठीक है, तभी आप कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे व्हाट्सएप जरूर करें आप। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मदर स्टॉप्ड कमिंग होम फॉर लंच बिकॉज। अब देखो मम्मी अब लंच घर क्यों नहीं आती थी लंच करने के लिए, क्योंकि अभी तो हमने पैसे नहीं पढ़ा था, उसका बेबी क्या करता था, परेशान करता था, तंग करता था। ठीक है, वापस जाने टाइम में, अब देखते हैं पैसे सेंटेंस में क्या कह रहा है, हर हाउस वाज फार अवे फ्रॉम द ऑफिस, ये तो गलत है, जो उसका घर जो था ऑफिस से बहुत दूर था, ऐसा चर्चा है नहीं यहाँ पर पैसेज में। अगला क्या कह रहा है, दी सी वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल हर एंग्री बेबी। अब क्या अपने बेबी को क्या वो जो उस इतना गुस्सा करते थे वो कंट्रोल से नहीं होता था। ठीक है, सी हैड टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स टू अर्न इनकम, ऐसा तो नहीं कह रहा है ना, सी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन लुकिंग आफ्टर द बेबी, मतलब उसको ऐसा अपने बेबी को रखना पसंद नहीं था। ठीक है, देखभाल करना पसंद नहीं था, ये आपका आंसर इसमें से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल हर एंग्री बेबी, क्योंकि बहुत गुस्सा करती थी, बहुत परेशान करती थी, इसलिए वो आना ही बंद कर दिया लंच टाइम में। ठीक है, आपका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे आ जाओ, अगला कह रहा है क्या, द सेंटेंस इफ आई हैड मनी आई वुड नॉट हैव डन इट। सो उसने कोर्ट में क्या कहा था, अगर मेरे पास मनी होता तो मैं ये काम नहीं करता। ठीक है, तो आपका देखिए ऑप्शन में कौन कौन सा है, आई हैड मनी एंड सो आई डिड नॉट लीव द बेबी अलोन। अब मेरे पास मनी है, ऐसा तो पैसे में है ही नहीं। ठीक है, पैसे में है नहीं, आई डिड नॉट लीव दी, इफ आई हैड मनी सो आई डिड नॉट लीव, मैं बच्चे को नहीं छोड़ सकती, मेरे पास मनी है, आई हैड मनी एंड सो
आई लेव द बेबी अलोन, मेरे पास मनी है मैं इसलिए बेबी को घर पे छोड़ देता हूँ. इफ सॉरी आई हैड नो मनी एंड सो आई लेव द बेबी अलोन, मेरे पास मनी नहीं है इसलिए मुझे बेबी को घर पे अकेला छोड़ना पड़ता है. इफ आई हैड सॉरी माफ कीजिए आई हैड नो मनी एंड सो आई डिड नॉट लीव द बेबी अलोन, मेरे पास मनी नहीं है सो अपने बेबी को अकेला नहीं छोड़ सकता. यहाँ पर देखो कंफ्यूजन वाला यहाँ पर है, तो आप आंसर ठीक से करना. आप देखो क्या हो जाएगा, इफ आई हैड मनी सो आई डिड, अगर मेरे पास मनी था, मेरे पास मनी था ठीक है, मेरे पास मनी था या मेरे पास मनी है. इफ आई सो आई डिड नॉट, इसलिए मैं बेबी को अपने पास अकेले मतलब अकेले नहीं छोड़ सकता, आपका ये गलत हो जाएगा. इफ आई हैड मनी सॉरी माफ कीजिए आई हैड मनी सो आई लिव दी, मेरे पास मनी है तो आपका गलत हो जाएगा आपका ये भी. इफ सॉरी माफ कीजिए आई हैड नो मनी सो आई लिव दी बेबी अलोन, मेरे पास मनी नहीं है इसलिए मैं बेबी को अकेले छोड़ देता हूँ. इफ आई हैड मनी, मेरे पास मनी होता तो मैं बच्चे को नहीं छोड़ता, ऐसा नहीं करता, यानी कि उसके पास मनी नहीं था इसलिए बेबी को अकेले वह छोड़ता था. ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. ठीक है, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जज मिस्टर हरिसन हॉल इज करेक्ट. अब देखो मिस्टर हरिसन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत सही है. ही कैन टॉलरेट क्रुएल्टी टू चाइल्ड बट नॉट टू एनिमल. अब देखो वह बच्चे पर अगर गुस्सा करती है अगर वो ठीक है तो वह बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन एनिमल पर गुस्सा करेगी यानी कि एनिमल पर अगर क्रुएल्टी करेगी यानी कुछ क्रूरता दिखाएगी ठीक है, उसके बारे में कह रहा है ना, जो बेबी के मदर के बारे में कह रही है. अगर बच्चे पर अगर क्रुएल्टी दिखाएगी तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन एनिमल पर करेगा तो बर्दाश्त नहीं करेगा. पहला तो गलत है आपका ये. अगला क्या कह रहा है, क्या ही कैन टॉलरेट क्रुएल्टी टू एनिमल बट नॉट टू चाइल्ड. अगर वह महिला के बारे में कह रहा है, अगर वह अगर एनिमल पर अगर कुर्ता दिखाएगा तो बर्दाश्त कर लेगा ठीक है मिस्टर हरिसन, लेकिन बच्चे पर नहीं बर्दाश्त कर सकता है. ठीक है, आगे क्या कह रहा है, ही कैन टॉलरेट क्रुएल्टी बोथ टू चिल्ड्रेन एंड एनिमल. वह बच्चे पर भी क्या कर सकता है, वह कुर्ता बर्दाश्त कर सकता है और एनिमल पर भी. ही कैन टॉलरेट क्रुएल्टी नाइदर टू चिल्ड्रेन नॉट टू एनिमल. वह ना तो बच्चे पर कुर्ता बर्दाश्त कर सकता है और ना ही एनिमल पर कुर्ता बर्दाश्त कर सकता है. ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस में पूरा पूरा कह रहा था पैसेज में कि वह क्या नहीं करेगा, तो यानी कि इवन यानी कि डॉग पर भी अगर ऐसा कुर्ता करेगा तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था. ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी. इसका आंसर आपने देख लेना. ठीक है, जो आपने आंसर क्या करा था आपका पैसेज में देखा है अभी, एक क्वेश्चन आपका गलत था. ठीक है, तो उसको मैच कर लेना आप. ठीक है, चलो अगर नेटवर्क सही होता है तो मैं फिर आपको मॉर्निंग में लाइव आऊंगा, नहीं तो अब मैं आपको ये वीडियो ऐसे ही मिलेगा रिकॉर्डेड वीडियो अभी. ठीक है, और कोई ऐसा प्रॉब्लम अगर हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना अगर. ठीक है, अगर नंबर पे कॉल ना लगे तो मुझे व्हाट्सएप जरूर कर लेना. ठीक है, तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद.